17 साल गुजारे हैं मैंने बलदेव सिंह के साथ। बस एक बार ये चुनाव जीतकर मैं एमएलए बन जाऊं, फिर राजनीति के गलियारे में अपने लिए जगह बनाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। सर, हमारी छानबीन में वो गन मिल गई है जिससे शारदा देवी पर गोली चली थी। समझ में नहीं आता राजवीर की नाराजगी कैसे दूर करूं। औरत की नीयत ही ऐसी है। दरअसल मुझे तुम्हारे पापा का इंटरव्यू लेना है। ओ, तो पापा से बात कर लो। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे गुरु जी ने बुलाया था, शहर के माहौल पर चर्चा चल रही थी। इस बारे में गुरु जी का क्या कहना है? वो तो इस प्रदेश का भला चाहते हैं और इस प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है अब शायद वो भी नहीं रोक सकते। आप सच कह रहे हैं सर, माहौल सचमुच बिगड़ता जा रहा है। बलदेव सिंह की पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उससे हमें फायदा होना चाहिए था, लेकिन असल में हमें उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। रजनी वर्मा चुनाव में तो खड़ी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से वो चुनाव प्रचार के लिए भाग रही, इससे ये साबित होता है कि कोई ना कोई तो उसे सपोर्ट कर रहा है और पैसे पानी की तरह बहा रहा है। नहीं तो जिस तरह से शहर के कोने कोने में उसके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं वो नहीं होते और ना ही उसकी सभा में इतनी भीड़ होती। वो तो ठीक है सर, लेकिन रजनी वर्मा को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये बलदेव सिंह की पार्टी में चल रही गुटबाजी का नतीजा है। हमने शारदा देवी को हराने के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं खड़ा किया तो दूसरे दिन ही रजनी वर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ी हो गई, क्योंकि उसको सपोर्ट भानु प्रताप जी ने किया है, ताकि इस प्रदेश में बलदेव सिंह की ताकत को कम किया जा सके। आप ठीक कह रहे हैं सर, जरूर यही चाल है। और अब इसका फायदा हमें कैसे मिल सकता है? जीत रजनी वर्मा की हो या शारदा देवी की, हार तो हमारी ही होगी। यही तो बात है उर्वशी, इस हार को जीत में कैसे बदलना है ये सोचना होगा। वैसे भी शारदा देवी कल हॉस्पिटल से घर लौट रही है। शारदा देवी जिंदाबाद, 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 शारदा देवी जिंदाबाद। वेलकम होम शारदा देवी, इस इलाके की भावी विधायक। शारदा देवी जी, आप बता सकते हो कि आपके ऊपर गोली किसने चलाई? आपके ऊपर किसने हमला किया? बोलिए मैम, क्या बताना नहीं चाहते मैम? प्लीज मैम, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं सकती, इसलिए माफी चाहती हूँ। आज ही इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है और इनकी दरिया दिली तो देखिए, किनको इस बात की फिक्र थी कि कोई है जिनको इनकी मदद की जरूरत है और ये उन्हें मदद करना चाहती थी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री प्रकाश जी, जिनकी उम्र हो चुकी है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन गोली लगने की वजह से और हॉस्पिटल में रहने की वजह से वो उनकी मदद नहीं कर पाए। लेकिन शारदा जी ने यह फैसला किया है कि वो सबसे पहले जाके श्री प्रकाश जी से मिलेंगे और बतौर सहयोग राशि 10 लाख रुपए का चेक उन्हें प्रदान करेंगे। सेवा भाव तो इनके स्वभाव में ही है,
और ये सेवा भाव ही है जो इन्होंने विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एक नारी होने के नाते ये घर चलाने वाली सारी औरतों की समस्याएं अच्छी तरह समझ सकती हैं। अब आज्ञा दीजिए, हॉस्पिटल से आई इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। धन्यवाद। कुछ बताइए मैम। को कैसे जानती है? आपने तो कभी पहले बताया नहीं हमें। मैं खुद भी नहीं जानती श्री प्रकाश जी है कौन। बाहर तुम्हारे पापा जी कह रहे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वो 10 लाख का चेक देने की बात कर रहे थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ आपको। दरअसल मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता के दिल को कैसे जीता जाता है। ये एक चुनावी रणनीति है। जनता की नजर में रहने के लिए कई बार इस तरह के कदम उठाने पड़े। पापा जी ने तो कहा था कि 10 लाख का चेक दिया जाएगा, तो क्या वो यूं ही कह दिया? बिल्कुल, ये चेक उन्हीं को दिया जाए तभी तो ये बात चर्चा के विषय बनेगी कि शारदा देवी कितनी दयावान है। और साथ में ये भी कहा जाएगा कि शारदा देवी तो इस तरह के कार्य करती ही रहती है, लेकिन आज चुनाव में उतरने की वजह से ये बात सबके सामने आ गई। आज से पहले श्री प्रकाश जी से कभी मिली नहीं। मैं तो जानती भी नहीं कि वो है कौन। आप उन्हें नहीं जानती है, मगर वो सचमुच एक स्वतंत्रता सेनानी है। बस यूं समझिए कि ये तो आदान प्रदान का मामला है। ये 10 लाख रुपए तो वापस वोट बनकर आपको ही मिलेंगे मैडम जी। मतलब है पापा जी ऐसे दान अक्सर करते रहते, वरना आपको कैसे पता होता कि श्री प्रकाश जी बीमार हैं और इलाज के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है? जी जी आप नहीं समझ पाएंगे, मगर वो सचमुच बहुत बीमार हैं और उन्हें इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। उनका एक ही बेटा है जो दुबई में काम के लिए गया हुआ है। यहाँ उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं। मंत्री जी ने कहा है कि आप लोग शाम को तैयार रहिए, हमें श्री प्रकाश जी के यहाँ मिलने जाना है। हम चलते हैं। जीतेगी रजनी देवी, जीतेगी जीतेगी भाई, जीतेगी रजनी देवी, जीतेगी शारदा देवी, शारदा देवी, शारदा देवी। हमारी नेता कैसी हो? रजनी देवी जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो? रजनी देवी जैसी हो। शारदा देवी जीतेगी, शारदा देवी जीतेगी, शारदा देवी जीतेगी, शारदा देवी जीतेगी भाई, जीतेगी रजनी देवी, जीतेगी जीतेगी भाई, जीतेगी रजनी देवी, जीतेगी शारदा देवी, जीतेगी शारदा देवी, जीतेगी भाई, जीतेगी जीतेगी भाई, जीतेगी शारदा देवी भाई, हारेगी शारदा देवी, हारेगी।
पुलिस वाले भी कमाल करते हैं, अभी तक उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। अरे बाहर वाले तो पार्टी की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं और पार्टी के अंदर के लोग मुझ पे शक कर रहे हैं कि इसके पीछे मेरा ही हाथ है। जिंदगी एक भंवर है। पुलिस वाले भी कमाल करते हैं, अभी तक उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। अरे बाहर वाले तो पार्टी की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं और पार्टी के अंदर के लोग मुझ पे शक कर रहे हैं कि इसके पीछे मेरा ही हाथ है। जब मुझे आचार्य जी का फोन आया था ना, तो उनकी बातों से मुझे ये लगा कि उनको इस बात का शक है कि इसके पीछे मेरा ही हाथ है। बताओ, अब वो तो ये सोच रहे है कि पुलिस की छानबीन मैंने ही रोक रखी। देखिए सर जी, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता, इस तरीके के कयास तो लगाए जाएंगे। बात यह है कि अपराधी अब तक पकड़ा क्यों नहीं। मेरे कहने के बावजूद ये कमिश्नर साहब मुझ पे मोहलत मांगे जा रहे। एक बात मेरे समय में नहीं आ रही, उसको अपराधियों को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इस कांड के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग रही होगी, ये बात तो मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ सर, ये प्लानिंग रही होगी। दूसरी बात ये मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है कि उस ससुर अपराधी को कैसे पता कि शारदा देवी उसी मंदिर में जाएगी। अब ये बात हमें और आपको तो पता नहीं थी, जाहिर सी बात है कि ये बात घर के लोगों को ही पता होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस गोलीकांड के पीछे घर के ही किसी मेंबर का हाथ तो नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो ईश्वर, ऐसा भी हो सकता है। उथल पुथल सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं है सर, उथल पुथल बलदेव जी के घर पे भी है। इनका अपना बेटा इनसे खार खाए बैठा है और वो माँ को भी दुश्मन समझ रहे हैं। उसको ये लगता है कि शायद माँ की वजह से भी उसके हाथ से ये चांस निकल गया। ये त्यागी, मुझे तो लगता है इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि बलदेव का ही कारण था। नमस्कार श्री प्रकाश जी। आइए आइए, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। सचमुच बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का। ऐसा क्यों कहते हैं आप? आपने इस देश के लिए जो योगदान दिया है, देश उसे कभी नहीं भूल सकता। आप जैसे लोगों का तो देश आभारी है। आपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और आज आपको ऐसे हालत में आपको रहना पड़ता है, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वाकई हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, और उससे भी बड़े दुख की बात तो यह है कि आज इन्हीं का बेटा बेरोजगार है, उसे कमाई करने के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। कब गया आपका बेटा? बस कुछ ही दिन हुए उसे दुबई गए। खैर छोड़, ये तुम अपने हाथों से 10 लाख रुपए का चेक श्री प्रकाश जी को दे दो। ये लीजिए। भई हमने तुम्हारे पिता के इलाज के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान किया है, अब उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। मैं समझ गया मंत्री जी, हमें 2 साल के बाद ही इंडिया आऊंगा। जिंदगी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा बजरंगी दुबई जाने से पहले बोल कर गया कि मेरा इलाज जरूर होगा और आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे। लीजिए, आप उससे बात कर लीजिए। मैं हाँ बेटा, मंत्री बलदेव सिंह जी आए हुए हैं, उन्होंने मुझे अभी अभी 10 लाख रुपए का चेक दिया है। हाँ जरूर, मैं कल ही जाकर डॉक्टर से बात कर लूंगा। एक बार उनको धन्यवाद तो दे दो। हाँ बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। भाई हमने तुम्हारे पिता के इलाज के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान किया है, अब उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। अब तुम दुबई में रहकर खूब काम करो और अच्छी खासी कमाई करके ही वापस आना, जल्दी आने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया मंत्री जी, अब मैं 2 साल के बाद ही इंडिया आऊंगा। बहुत बढ़िया। आदमी को हमेशा अपने जुबान पर कायम रहना चाहिए, ये एक अच्छा ही होता। खैर छोड़ो, मेरी धर्मपत्नी शारदा जी से बात करो जिन्होंने 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे पिताजी को दिया है। बात करो शारदा। हेलो। नमस्ते मैडम जी, आपकी वजह से मेरे पिताजी का इलाज हो रहा है। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरे पिताजी का इलाज नहीं हो पाता। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, अगर मैं मदद नहीं करती तो भगवान किसी न किसी को तो भेज ही देते। तसल्ली हो गई ना? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये 10 लाख रुपए शारदा पर गोली चलाने के बदले में दिए जा रहे हैं। बजरंगी जो एक शार्प शूटर है, जिसका निशाना कभी गलत नहीं होता, जिसे शारदा के कंधे में गोली मारनी थी, उसने शारदा को गोली मार के उसी वक्त ही वो दुबई के लिए रवाना हो गया था। गेम को कोई नहीं समझ सकता। अब उस गोली कांड की वजह से पूरी लहर शारदा की ओर है। शारदा को चुनाव जीतने के लिए ये मेरा एक खेल था। वैसे आपने बलदेव जी का जलवा तो देख ही लिया होगा, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव शारदा देवी ही जीतते। अरे आओ 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 युवराज जी, आओ भाई, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बैठो। क्या था? क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे थे आगे जी? मुझे युवराज कहने का क्या मतलब है, ये बात मेरी समझ में नहीं है। अरे कमाल है भाई, अरे आप बलदेव जी के इकलौते वारिस हो, चश्मो चिराग। इतनी बड़ी सल्तनत है बलदेव जी की, तो आप ही तो हुए उसके युवराज। सब कुछ देखते हुए भी आप मुझे ये कह रहे? मुझे तो लगा था कि आपको कोई जरूरी काम होगा,
इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। लेकिन आप तो मेरे जख्मों पर छिड़कने के लिए नमक लिए बैठे। अरे नहीं नहीं राजवीर भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हो यार, है कमाल हो गया भाई, बलदेव जी ने आपका नाम सोच समझ के रखा है, राजवीर। अरे जो वीर राज करने के लिए पैदा हुआ है। पर अब ये बैड लक की बात है भाई कि बलदेव जी समझते हैं कि ये राजवीर जो है ये राजनीति में बड़ा कमजोर है, है? त्यागी जी, मेरे पापा क्या सोचते हैं क्या समझते हैं वो तो आप जाने दीजिए, लेकिन आप भी तो कुछ नहीं कर पाए ना मेरे लिए। और देखो छोटे भाई, कुछ भी काम करने के लिए ना एक सही मौके की जरूरत, वो मौका आ जाए तो काम बन जाएगा। फिलहाल मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए आपको बुलाया है कि जिस दिन आपके माता जी पर गोली चली, ये बात किस किस को पता थी कि वो मंदिर जाने वाली है और उसी मंदिर में जाने वाली है? क्यों आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही। वैसे तो मैं इस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन एक दिन पहले ये बात सुनी थी कि माँ चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले शिव मंदिर जाना चाहती। अब जब उन्होंने ये बात की थी तब वहां पे कौन कार्यकर्ता थे, कितने लोग थे, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। ओहो, तो मतलब ये बात एक दिन पहले लीक हो चुकी थी। हाँ, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप पूछ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये गोली चलाने वाले को खबर कहां से लग गई कि शारदा देवी उसी मंदिर में गई। पर अब आप कह रहे हो कि ये बात एक दिन पहले लीक हो चुकी थी। तब तो बात ही खत्म हो जाती है। वैसे आपने बलदेव जी का जलवा तो देख ही लिया होगा, पूरे शहर में रौला सा काट रखा है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव शारदा देवी ही जीतते। भाइयों और बहनों, इस इलाके की जो समस्या है उसका समाधान होगा। बिजली और पानी की समस्या पूरी की जाएगी। गरीबी और बेरोजगारी की दिशा में पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में शारदा देवी ने ये चुनाव नहीं जीतना चाहिए, इतना मुझे पता है, दैट्स ऑल। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर काफी गुस्से में कि अगर इतनी कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हुई तो फिर ये मौका हाथ नहीं लगने वाला।